जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सभी साथियों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो आज हमारे यहाँ बहन जो भूखहड़ताल पर बैठी है उनके समर्थन में सभी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं एक बात रखना चाहूँगा कि जो आज 8 दिन से हमारी एक बहन रंजिता चौहान जो हमारे भाई बहनों के संवैधानिक अधिकार के लिए भूखहड़ताल पर बैठी है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, चाहे वो नगर परिषद के रूप में हो, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो केंद्र में हो, जब उन्हें हमारे वोट या हमारे लोगों की आवश्यकता होती है तो हमारे कदमों में होते हो, किंतु जब हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं, जब हमारा हक मांग रहे हैं, तो क्या इसी वजह है कि 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठने के बाद आज तक ना तो किसी अधिकारी, ना किसी नेता, ना किसी व्यक्ति ने इसका संज्ञान लिया है कि वो किस हालत में बैठे हैं। हम लोग इससे कहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं संवैधानिक है, विनियमितीकरण क्या होता है, सीधे सीधे स्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार ने हमारे कर्मचारी बंधुओं के साथ में सिर्फ और सिर्फ छल और कपट करने के उद्देश्य से विनियमितीकरण शब्द का उपयोग करके हमारा शोषण किया है। हमारी जो मांग है कि विनियमितीकरण को हटा के स्थायीकरण किया जाए, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। उसके बाद विनियमितीकरण शब्द की ओर पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। उसके बाद हम लोग जो हमारे सफाई कामगार भाई बहन जो 40-40, 50-50 सालों से जिन जर्जर मकानों में रह रहे हैं, मकानों की हालत ऐसी है कि वो मकान गिरने की नौबत पर है। आज हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं हर आदमी को अच्छे घर में देखना चाहता हूँ, उनके बच्चों के अच्छे उज्जवल भविष्य को देखना चाहता हूँ। क्या दलित समाज के भाई बहनों का अधिकार नहीं है कि वो अच्छे मकानों में रहे? ऐसी क्या अड़चने, ऐसी क्या दुविधा है कि उनको उनके मकानों के मालिकाना हक नहीं दिए जा रहे हैं? हम इनकी इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं कि जिन मकानों में, जिन आवासों में ये रहते हैं, उन्हें इसके स्थायी पट्टे दिए जाए, ताकि ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर अपने परिवार को एक स्वच्छ घर और स्वच्छ माहौल उपलब्ध करवा सके। किंतु कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो मौजूदा सत्ता में, जो सत्ता के नजरे में मदहोश बैठे हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ दलित समाज को, आदिवासी समाज को, अल्पसंख्यक समाज को सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक समझ कर चल रहा है। उन्हें हमारे जाति मामलों से, हमारे अधिकारों से कोई मतलब नहीं। और यदि अगर इस मंच पर हमारी बहन जो भूख हड़ताल पर बैठी है, यदि अगर उनकी हालत बिगड़ती है या किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटित होती है, तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिला प्रशासन, श्रीमान आयुक्त महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय, सांसद, विधायक, महापौर जो लोग हैं, वो सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आज 7 दिन से हमारी बहन हड़ताल पर बैठी है और इनके पास शहर में रहते हुए इतना समय नहीं है कि वो लोग अपना समय निकाल कर कम से कम इनकी परेशानी को सुन सके कि आपकी तकलीफ क्या है, आपकी परेशानी क्या है। इसके लिए आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।